पापा पापा क्या बात है बेटे? मेरी माँ कैसी है? आज तुझे तेरी माँ कैसे याद आ गई? पापा आज मैंने एक औरत को देखा, बहुत अच्छी थी। मुझे लगा जैसे वो मेरी माँ है। कौन थी वो? पता नहीं, लेकिन वो एक सेठ जी के साथ आई थी। सेठ जी के साथ सेठ की बेटी होगी बेटे, और ये जो सेठों की बेटियां होती हैं ना, बच्चे तो पैदा कर देती लेकिन मां नहीं बनती। तो फिर कैसी है मेरी माँ, बताओ ना पापा। तेरी माँ तेरे लिए मर चुकी है बेटे। नहीं, वो नहीं मर सकती, तुम झूठ बोलते हो। प्लीज पापा बताओ ना, पापा बताओ ना, वरना मैं भी तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। तुझे तेरी माँ बहुत याद आती है। वो माँ है ना पापा? मैं तेरा पापा हूँ बेटे। तो फिर क्यों नहीं बताते मेरी माँ का पता? प्लीज पापा बताओ ना मेरी माँ कौन है। तू एक गरीब का बेटा है ना, इसलिए तुझे भी वही याद आती है जो तुझे भूल चुकी है।
आप अच्छी तो हैं। आप तो अच्छे हैं। जिंदा हूं, आप तो सुखी हैं। मेरे दुख सुख का पूछने वाले आप कौन हैं? यूं ही इंसानियत के नाते पूछ बैठा था। क्यों? जब हर नाता तोड़ चुके हो तो ये नाता कैसे याद रहा? नाता मैंने तोड़ा था। चली जाओ अपने माँ बाप के घर, ये मैंने कहा था। मैंने कहा और तुम चली गई, हाँ? ये क्यों नहीं कहती कि मेरे घर आने के बाद तुम्हें एहसास हुआ कि शादी करके तुमसे भूल हुई? मैं रूठ कर इसलिए चली गई थी कि तुम मुझे मनाने आओ। हाँ मैं आया था, मैं तुम्हें मनाने आया था। अपनी गलत के मुंह पर तमाचा मारकर पहुंचा था तुम्हारे आलीशान महल के दरवाजे पर, लेकिन तुम्हारे डैड ने कहा कि तुम मुझसे तलाक चाहती हो। तलाक मैं लेना चाहती थी? ये झूठ है। मैंने डैड को तुम्हारे घर भेजा तो तुमने उन्हें जलील किया, दस्तखत करके तलाकनामा उनके सामने रख दिया। मैंने तलाकनामा दिया? हाँ, यहाँ आकर बच्चे को जन्म देने की घटिया चाल भी तो मेरी ही थी। ये क्यों नहीं कहती कि वो बच्चा तुम्हारी दूसरी शादी में बहुत बड़ी रुकावट बन जाता? ये झूठ, ये सच है। तुम्हारे दौलतमंद डैडी मेरे बेटे को अनाथ आश्रम छोड़ा है। अगर तकदीर मुझे वहां नहीं ले जाती तो आज तुम्हारा बेटा माँ की ममता से ही दूर नहीं, अपने बाप के प्यार से भी महरूम रह जाता। प्रीति, मैंने उसे तुम्हारे दूध की जगह अपना खून पिलाकर बड़ा किया है। मैंने उसे बाप बनकर भी पाला और मां बनकर भी। और मैं खिलौने को अपना बच्चा समझकर परसों अपनी ममता को धोखा देती रही। वो जब जब तुम्हारे बारे में पूछता, मैं तो उसे ये भी नहीं कह सकता कि तू अपनी मां का नाम मत ले बेटे, उसकी ममता सोने के कफन में दफन हो चुकी है। बताओ मैं उसे इस सवाल का क्या जवाब देता? डैड ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। डैड, आपने मुझसे कहा था कि मेरा बच्चा मर गया। आपने कहा कि अजय ने मुझे तलाक दिया। डैड, क्यों मुझसे झूठ बोले? डैड, मेरी जिंदगी से इतना बड़ा खेल क्यों खेले? डैड, क्यों क्यों? चुप हो जा प्रीति, चुप हो जा मेरी बेटी, चुप हो जा। दौलत के गुरु ने हमें अंधा बना दिया था, इंसानियत से गिरा दिया था बेटी, गिरा दिया था। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी। मैं दौलत से तुम्हारे लिए खुशियां खरीदने चला था। दौलत ही मेरी जिंदगी के उसूल बनकर रह गई थी, लेकिन आज वो सुनहरे उसूल मिट्टी में मिलकर रह गए। डैड, उसूल ऐसे नहीं होने चाहिए जो औलाद को जिंदा न रख सके, उन्हें जीते जी मार दे। लेकिन अजय, मैंने तुमसे प्यार किया था, तुम्हारा घर मैंने बसाया था, फिर मुझसे क्यों नहीं मिले? एक बार भी मुड़कर मेरी तरफ क्यों नहीं देखा? मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम आए थे और तुम्हारे बाद मौत आएगी अजय, मौत। मैं तुम्हारे लिए बहुत रोई हूं, मुझे अपनी बाहों में ले लो अजय। मैं अपने डैड के घर नहीं, तुम्हारे दर पे मरना चाहती हूँ, तुम्हारे दर पे। तुम रही हो प्रीति तो तड़पा मैं भी बहुत हूं। अब जो आई हो मुझे छोड़कर मत जाना प्रीति, मुझे छोड़कर मत जाना। अजय, अजय। पापा, ओ पापा, मम्मी को मैं लाया और गले तुमने लगा लिया।